छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड मैच के अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसोसिएशन के विजय शाह और जुबिन शाह ने मैच के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 11 तारीख को शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट मिलना शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन टिकट पेटीएम के माध्यम से और अन्य ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मिलेगी। जुबिन शाह ने जानकारी देते हुए कहा कि आरडीसीए में टिकट काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें 500, 1000, 1250 और 1500 रुपये में टिकट मिलेंगे। वहीं सिल्वर में 5000, गोल्ड 6000, प्लेटिनम 7500 और कॉरपोरेट 10000 रुपये में मिलेगा। टिकट काउंटर ऑफलाइन जहां मिलेंगे उसको लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। शाह ने बताया कि आरडीसीए में ही टिकट मिलेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से टिकट मिलेंगे। शाह ने बताया कि 19 तारीख को दोनों टीमों के खिलाड़ी आएंगे, 20 को प्रैक्टिस करेंगे और 21 को मैच का आयोजन होगा। वहीं 2 साल तक के बच्चों को स्टेडियम में फ्री में एंट्री मिलेगी। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमको एक ओडीआई मिला है और जो इंडिया न्यूजीलैंड 21 जनवरी को करने जा रहे हैं, इसमें आप लोग का सहयोग भी अपेक्षित है और इसमें प्रशासन और हम लोग दोनों मिलकर जॉइंटली इस आयोजन को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सफलतापूर्वक करने जा रहे हैं, जिस पर प्रशासन का पूरा सहयोग हमें सिक्योरिटी, पार्किंग और इन सारी चीज़ों के लिए पूरा मिल रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और बाकी इंडिविजुअली चूंकि ये मैच का आयोजन एक एसोसिएशन के पास होता है तो हमने भी अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुबिन शाह जी। सर, छत्तीसगढ़ में पहली बार क्रिकेट होने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं मैच में? 21 तारीख को पहली बार छत्तीसगढ़ को, रायपुर को ये अवसर मिला है एक इंटरनेशनल मैच होस्ट करने का। हम लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक सब लोग इसकी तैयारियों में जुड़े हुए हैं। बीसीसीआई की गाइडलाइंस होती हैं, जो भी एसोसिएशन होस्ट करती है मैच को तो एक एज पर गाइडलाइंस उनकी होस्ट करना होता है और हम लोग वेल एज पर प्लान चल रहे हैं। प्रशासन का भी हमें पूरा सहयोग है और गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। किसके बीच मैच होगा और किस तारीख को टीम छत्तीसगढ़ आएंगे? ये मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है, ओडीआई मैच होगा, फुल डे इवेंट होगा। टीम्स जो है हमारे पास 19 तारीख को पहुंच जाएंगी दोनों टीमें और 20 तारीख को उनका प्रैक्टिस सेशन होगा और 21 तारीख को फिर हमारा मैच है। टिकट को लेकर क्या कुछ रखा गया है, किस तरह की श्रेणी में टिकट को रखा गया है? टिकटें जो है वो उसका न्यूनतम प्राइस जो है 500 रुपये रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये 300 रुपये में उपलब्ध करवाएंगे हम लोग। बाकी जो टिकटें हैं 500 रुपये से लेके 1000, 1200, 1500 और गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो है वो 5000, 7000 लगभग इस प्राइसेस पे रहेंगे। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कोरोना को लेकर भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा में हमारी एजेंसी फाइनल है, हमें हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान पता है कि हमें कितना मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो हमने सब फाइनल कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा पुलिस के साथ भी हमारी डेली मुलाकात हो रही है और पुलिस के बिना ये हो नहीं सकता सिक्योरिटी, और पुलिस भी हमें बहुत इसमें हेल्प कर रही है। ये थे हमारे साथ जुबिन शाह। इनका साफ तौर पर कहना है कि 21 तारीख को भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है और इसमें पूरी तैयारी, सुरक्षा की भी पूरी तैयारी की गई है और कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन कराया जाएगा। कैमरा पर्सन आलोक के साथ रायपुर से प्रदीप नाम।